सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जिनकी परसेंटेज 60 से 80 के बीच में आसपास आ रखी है, 90 तक आ रखी है जनरल कैटेगरी वालों, उनका एडमिशन क्या किसी कैंपस में हो सकता है, चाहे वो साउथ कैंपस, नॉर्थ कैंपस, ऑफ कैंपस, कौन सा कॉलेज में जाएगा। मेरी बहुत सारी क्वेरीज आती है मेरे पास, सर मेरे बेस्ट फोर के अंदर इतने बन रहे हैं, मुझे कौन सा कॉलेज मिलेगा मुझे बता दो। मैंने सोचा क्यों ना एक प्रॉपर वीडियो बनाया जाए ताकि आप सबको एक थोड़ा सा हिंट मिल जाए कि हाँ भाई हमारा एडमिशन हो सकता है। इस वीडियो को शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ ही आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता है। तो चलिए दोस्तों हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो फ्रेंड, मैंने थोड़ी सी कुछ पॉइंट्स बना रखे हैं, तो मैं उस पॉइंट्स को एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको थोड़ा इजी हो जाए समझने के लिए। सबसे पहले मैं बात करता हूं उन स्टूडेंट्स की जिनकी जो परसेंटेज होती है वो 80-90 के बीच में होती है। तो 80-90 के बारे में अगर मैं बात करूं तो आपको साउथ कैंपस कॉलेज मिल सकता है। अब मैं ये नहीं कह रहा साउथ कैंपस में आपको हर मिल जाएगा, आपको वेंकी मिल जाएगा, तो भैया नहीं मिल सकता, वेंकी की तो बात ही कुछ और है। मैं आपको नॉर्मल कॉलेज बता रहा हूँ, जैसे कुछ इवनिंग से कॉलेजेस होते हैं जो आपको मिल सकते हैं, आपको शहीद बख्श सिंह में इवनिंग में मिल सकता है एडमिशन, तो ये कॉलेजेस आपको मिल सकते हैं। थोड़ी सी मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ, थोड़ी सी आपकी मोटिवेट कर रहा हूँ, समझ रहे हो मेरी बात। आपको इसके आसपास कॉलेज मिल सकते हैं, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। अब बात करते हैं उन स्टूडेंट की जिनकी 85 प्लस है। अभी मैंने बात करी थी 80-90, तो वो 80-85 मान के चलो। अब 85 प्लस वालों के अंदर भी, और वो कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे भी आपकी ओबीसी कैटेगरी होती है, आपकी एससी होती है या फिर एसटी होती है, तो इन कैटेगरी से अगर वो बिलोंग करते हैं तो उनको साउथ कैंपस बहुत आसानी से मिल सकता है, एक अच्छे कोर्स में उनका एडमिशन हो सकता है। अच्छे कोर्स में मैं आपको बता रहा हूँ साउथ कैंपस आसानी से मिल जाएगा अगर आपके साथ एक कैटेगरी है तो। और कैटेगरी का ध्यान रखना, अगर आपको एक कैटेगरी मेंशन किया है आपने ड्यू के फॉर्म में, तो आपके पास उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का, और वो भी एक्सपायरी ना हो भाई, उसका डेट मेंशन हो उसके अंदर कि अगर रिन्यूअल नहीं कराया तो रिन्यू करा लो उसे। मैं आपको काफी बार ये वीडियो में बोल चुका हूँ। अब बात करते हैं क्या 85% से कम वालों अगर मान लो जनरल कैटेगरी आ जाती है तो किसी अच्छे कोर्स में एडमिशन मिल सकता है। गाइस देखो, होप को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। हाँ मैं इतना कह सकता हूँ मिल सकता है। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है, आप भी समझ जाओगे रीजन मैं क्यों बोला। तो जब भी एडमिशन होते हैं कॉलेजेस के अंदर, नॉर्मल सी बात है, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपना एडमिशन मूव करते हैं। अब कुछ लोगों ने प्राइवेट में भी एडमिशन ले रखा है, मतलब प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में, आईपी में, या फिर किसी में भी एडमिशन ले रखा है, या फिर ड्यू के अंदर भी मूवमेंट होती है। कोई किसी को ड्रीम कॉलेज मिलता है सेकेंड कट ऑफ के अंदर, किसी को थर्ड कट ऑफ के अंदर मिलता है, किसी को फिफ्थ के अंदर मिलता है, तो वो मूवमेंट चलती रहती है। तो इस वजह से क्या होता है, तो जनरल कैटेगरी वाले जो सीट भी ज्यादा होती है तो ऑब्वियसली स्टूडेंट भी ज्यादा होंगे, जब स्टूडेंट ज्यादा होंगे तो मूवमेंट भी ज्यादा होगी उन स्टूडेंट की, तो आपकी कट ऑफ बहुत जल्दी कम हो जाती है एकदम से। सो फर्स्ट सेकेंड थर्ड कट ऑफ को छोड़ के आपका फोर्थ में भी नाम आ सकता है, फिफ्थ में भी आ सकता है, सिक्स्थ में भी आ सकता है, अगर आपके थोड़े से कम मार्क्स हैं बिलो 90 हैं। बट आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, अच्छे कॉलेज के बारे में नहीं कहूँगा मैं, लेकिन हाँ एक एवरेज कॉलेज के अंदर बहुत अच्छे से आपका नाम आ सकता है। बाकी अगर आप अच्छा पढ़ लेते हो फर्स्ट ईयर के अंदर, तो आप एक साल बाद अपना एडमिशन भी माइग्रेट करा सकते हो अपने नियर बाय कॉलेज हो गया, या फिर आपका ड्रीम कॉलेज हो गया। अभी पहले ड्यू में एडमिशन ले लो, एक बार पैर जमा लो, उसके बाद तो कहीं भी आप उड़ सकते हो। अब मैं आपसे बात करता हूँ कुछ ऐसे कॉलेज के बारे में जो कि काफ़ी अच्छे कोर्स ऑफर करते हैं, और आपके जनरल कैटेगरी वाले भी अगर 90 से बिलो मार्क्स है तो आप उन्हें अचीव कर पाओगे। मैं आपको बताता हूँ कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जो इवनिंग के कॉलेज, जैसे आपका दयाल सिंह कॉलेज हो गया, आपका सत्यवती कॉलेज हो गया, शहीद भगत सिंह कॉलेज हो गया, ये सारे कॉलेजेस हैं जो आप इवनिंग में जा सकते हो। आपका PGDAV इवनिंग हो गया, आपका श्यामलाल हो गया, भैया बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो ड्यू के अंदर इवनिंग में पढ़ाए जाते हैं, और इतना फर्क नहीं पड़ता है ऑब्वियसली यार। देखो आपको भी पता है जो आपका क्वेश्चन पेपर है वो तो सेम आता है ड्यू का, डिग्री सेम होती है, बस उसमें यही तो लिखा होता है EVE, और बाकी उसमें मॉर्निंग वाले पे कौन सा मॉर्निंग लिखा होता है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है, इतना टेंशन। एक बार ड्यू में पैर जमा लो, इवनिंग से भी मॉर्निंग में आ सकते हो आप माइग्रेट होके चाहो तो, बस पैर जमाने वाली बात है। आप जनरल कैटेगरी से हो तो डेफिनेटली आपको किसी भी कॉलेज में एडमिशन मिले, पहले एक बार घुस जाओ, फर्स्ट कट ऑफ में एडमिशन ले लो, थप्पा लगा लो एक बार कि हाँ मैं ड्यू का स्टूडेंट बन गया, उसके बाद खेलते रहो। खेलते रहो का मतलब ये है अपने ड्रीम कॉलेज का इंतजार करो। हाँ भाई ड्रीम कॉलेज अगर आपका आता है तो डेफिनेटली मूव करो, किसी और बच्चे को चांस दो उस कॉलेज के अंदर जिसका एडमिशन अभी तक नहीं हुआ है, ताकि वो स्पेशल कट ऑफ के अंदर अपने एडमिशन ले। अब ये स्पेशल कट ऑफ का पॉइंट मैंने इसलिए बोला क्योंकि स्पेशल कट ऑफ एक ऐसी कट ऑफ होती है जो कि बहुत लो जाती है,
इसके बारे में प्रॉपर वीडियो बनाई हुई, आप वीडियो देख लेना, आई कार्ड पे आपको लिंक दे रहा हूँ, साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, क्यों कर लो जाती है, क्या कारण होता है और कितनी लो जाती है, सब कुछ मैं डिटेल में आपको बता रहा हूँ। अब कुछ कोर्सेज के बारे में बात करते हैं जो आपकी आपको इजिली 60-70% के अंदर मिल जाते हैं, आपको बता देता हूँ। वो है आपका हिंदी ऑनर्स, संस्कृत ऑनर्स, आपका कोई भी लैंग्वेज को जो कोर्स होता है वो आपको यहाँ पे मिल जाता है, जिनकी कट ऑफ बहुत ज़्यादा कम जाती है। सो अगर आप ड्यू में पढ़ना चाहते हो तो डेफिनेटली आप एडमिशन ले सकते हो। बस हाँ, आपको ये लगेगा भाई आपने स्पेशलाइजेशन करके हिंदी में या फिर आपने संस्कृत में करी हुई, लेकिन आपको और भी सब्जेक्ट्स होते हैं वो पढ़ने होंगे, जैसे आपको पॉलिटिकल पढ़ना हो सकता है, ज्योग्राफी होगा, तो आपको सब्जेक्ट्स पढ़ने होंगे। अगर आपको आगे जाके सिविल सर्विसेज की तैयारी ही करनी है, आपने सोचा हुआ है और आपको चाहिए भाई ग्रेजुएशन डिग्री चाहिए मुझे अपने रेगुलर कॉलेज की, ताकि मैं कुछ इंटरव्यू में अच्छा बोल पाऊँ, तो सबसे बेहतरीन मौका तो यही है कि आप, आपकी परसेंटेज भी कम है और आप सिविल सर्विस तैयारी भी करना चाहते हैं, तो इन कोर्स में एडमिशन लो और अपनी प्रिपरेशन में लग जाओ। तो ये फर्क होता है आपका, मतलब कॉलेज टू कॉलेज वेरी करता है। और ध्यान रखना ऑफ कैंपस को भी मत छोड़ना, क्योंकि ऑफ कैंपस के अंदर भी बहुत सारे कॉलेज आते हैं, आपका गुरु गोविंद सिंह कॉलेज होता है और भी आपके केशव महाविद्यालय, मतलब ऐसे कॉलेजेस हैं यार, बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर जाके देखना, केशव महाविद्यालय का इतना मतलब बढ़िया बना रखा है यार, क्या बोलूं मैं, बहुत अच्छा है। तो ये मत सोचना नॉर्थ कैंपस ही अच्छा होता है या साउथ कैंपस ही अच्छा होता है, भैया नॉर्थ और साउथ कैंपस ठीक है वो एक साथ कैंपस में, तो उसका नाम कैंपस रख दिया, लेकिन ऐसा नहीं है, ऑफ कैंपस भी बहुत अच्छे कॉलेजेस होते हैं, बहुत अच्छी फैकल्टीज होती हैं, सब कुछ बहुत अच्छा होता है, वहाँ पे भी तो बच्चे पढ़ते हैं। सो टेंशन वाली कोई बात नहीं है भाई, किसी भी कॉलेज में आ जाए एक बार, पैर जमा लो, उसके बाद अपना मूव करते रहो, ड्रीम कॉलेज के लिए वेट करते रहो। सो ये थी आज की वीडियो, जो कि आपको बताना चाहता था कि आपका एडमिशन हो जाएगा, टेंशन मत लो, फर्स्ट कट ऑफ जल्दी रिलीज हो जाएगी, अक्टूबर के अंदर डेट दी गई है, 9-11 के आसपास आपकी फर्स्ट कट ऑफ आ रही होगी ड्यू की, जब तक कि सभी सीबीएसई का रिजल्ट नहीं आया था, तब तक आपकी कट ऑफ नहीं आएगी, और रिजल्ट आने के बाद आपकी कट ऑफ को रिलीज कर देते हैं। सो ये थी आज की वीडियो, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो जरूर लाइक करना इस वीडियो को, अपने फ्रेंड्स तक जरूर शेयर करना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो मैंने आप सबके लिए बना दी है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर कुछ नए अपडेट्स के साथ, जय हिंद।